आगामी दिनों में आने वाले एक नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की। सबसे पहले यदि वर्तमान तापमान की परिस्थिति पर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से लगातार राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में दर्ज तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो तापमान है वो जोधपुर संभाग के जो फलोदी और इसके अलावा जो बाड़मेर की तरफ के यदि देखें तो तापमान सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए गए हैं। सामान्य से डिपार्चर यदि देखें तो इन्हीं स्थानों पर जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पे सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वहीं न्यूनतम तापमान भी देखें तो जो शेखावटी वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो बीकानेर संभाग के आसपास के इलाके हैं यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है वो औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बात करें यदि आगामी दिनों के फोरकास्ट की तो आप देखेंगे कि चूंकि अभी वर्तमान में देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का प्रभाव जो है वो अगले 2-3 दिनों में शुरू होने की संभावना है। इसका असर जो है वो खासकर अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान के यानी कि कोटा संभाग, इसके अलावा भरतपुर जयपुर संभाग और यदि बात करें तो जो उदयपुर संभाग के कुछ इलाके हैं वहीं शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिन दोपहर बाद थंडरस्टोम एक्टिविटी यानी मेघ गर्जन, कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं अचानक तेज हवाओं की जो परिस्थितियां हैं वो बनने की संभावना है। आप देख सकते हैं दिनांकवार यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में यूं कह सकते हैं कि कुछ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और जो अचानक तेज हवाओं की गतिविधियां हैं वो यानी अगले 24 घंटों से ही शुरू होगी। बात करें यदि पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान में भी छुटपुट इलाकों में यानी बीकानेर संभाग में आप देखेंगे कि 10 अप्रैल को कुछ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहे। तापमान की यदि बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में विशेष तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है, यानी औसत से 3 से 4 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने से तापमान में कमी होने की संभावना है। अब बात करें यदि बारिश के पूर्वानुमान की, चूंकि एक सिस्टम जो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से जो ईस्टर्ली विंड्स प्रभावी हो रही है इसका असर जो है वो अगले 24 घंटों में छुटपुट इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के रूप में 10 अप्रैल को रहेगा। वहीं 11 अप्रैल को आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान में आंधी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप क्षेत्रवार देखें तो जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां होगी। आप देखिए 12 और 13 अप्रैल में यदि देखेंगे तो ज्यादातर इलाकों में जो मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए कि 13 अप्रैल से एक काफी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो सक्रिय होगा और इसका असर जो है वो 13, 14 और 15 अप्रैल को राजस्थान के कई इलाकों में तेज अंधड़ यानी तीव्र डस्ट स्टॉर्म जिसे बोलते हैं, हवा की गति इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। बारिश की यदि बात करें तो 13 से 15 अप्रैल की जो दौरान जो है वो कई इलाकों में तेज दर्जे की बारिश यानी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो रिपोर्ट हो सकती है। खासकर जो जो उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग, शेखावटी, जयपुर संभाग, अजमेर, इन इलाकों में तेज थंडरस्टॉर्म, डस्टॉर्म और बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है। लाइटनिंग की भी संभावना ज्यादा है। डस्ट स्टॉर्म भी पश्चिमी राजस्थान और आसपास के लगने वाले इलाकों में 13 और 14 अप्रैल को संभव है। वार्निंग की यदि बात करें तो देखिए आंधी बारिश की जो वार्निंग जिलावार हमने यहाँ पे दिखाई है, आप देखिए कि 10 अप्रैल को जो है वो ये उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाके हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को भी जो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके हैं। 12 और 13 अप्रैल से आप देखिए कि जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसका असर 12 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं इनमें तेज आंधी, डस्ट स्टॉर्म या तेज हवाओं के रूप में इसका असर 12 को शुरू होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 13 तारीख को जो मैंने बताया कि सिस्टम काफी एक्टिव है, काफी इंटेंस है और इसका असर जो है आप देखिए ज्यादातर जो जिले हैं राजस्थान के, केवल जो उदयपुर संभाग के इलाकों को यदि छोड़ दें तो अधिकांश जिलों में इस सिस्टम का असर होगा, आंधी बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज होंगी। 15 और 16 अप्रैल को भी देखेंगे तो इसका असर जो है वो सिस्टम का राजस्थान में जारी रहेगा। खासकर यदि बात करें किसान भाइयों के लिए आगामी दिनों में आंधी बारिश के मद्देनजर विशेष कृषि सलाह की, तो देखिए चूंकि कई इलाकों में रबी की फसलों का हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम फाइनल स्टेज में है, अभी भी
कई इलाकों में जो फसलें हैं वो कटकर पड़ी है। तो किसान भाइयों से ये गुजारिश है, ये सलाह है कि जो फसलें खुले आसमान में या खुले खेत में अभी भी रखी हुई है, अगले 2-3 दिनों में हो सके तो थ्रेसिंग का कार्य कंप्लीट कर लें और उनको सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि आंधी बारिश से पकी हुई फसल को नुकसान ना हो। इसके अलावा कृषि मंडियों में भी देखें तो 13, 14 और 15 अप्रैल के आसपास जब आंधी बारिश का दौर ज्यादा रहेगा, इस दौरान खुले आसमान में जो अनाज रखा हुआ है बल्क अमाउंट में वो भी भीगने से बचाने के लिए समुचित उपाय करें। दूसरा खास जो विशेष रूप से किसान भाई और आमजन ध्यान रखें कि यदि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग अपने आसपास हो रही हो तो बिल्कुल भी पेड़ के नीचे शरण ना लें। भूलकर भी ये हम सबसे पहले मिस्टेक करते हैं, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी शरण ना लें। इसके अलावा सोलर पैनल या जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास में खेत में लगे हैं जिनको तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है तो उनको भी सुरक्षित करने के समुचित उपाय कर लें। धन्यवाद।